आज है हम लोग राज्य स्तरीय कृषि समृद्ध मेला 2022 के कार्यक्रम जो बिलासपुर साइंस कॉलेज में चल रहा है, यहाँ पे केवीके कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा से भी एक स्टॉल लगाया गया है। तो आज हम बात करेंगे केवीके जो प्रमुख है डॉक्टर नारायण साहू सर। तो हम नारायण साहू सर से जानना चाहेंगे दंतेवाड़ा में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में विस्तार से। साई कोचिंग के सभी जो स्कॉलर्स हैं, बच्चे हैं, उसको कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और कृषि समृद्धि मेला जो लगा है बिलासपुर में, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और हम लोग, हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आप उसमें सर्च करेंगे तो हम लोग दिखेंगे, गूगल पे जाएंगे तो हम लोग दिखेंगे। तो मैं अभी लेटेस्ट कुछ चीज़ों को बताऊँगा। और वो हमारा, चूँकि आप लोग एग्रीकल्चर से हैं, कृषि के विश्वविद्यालय में आने के लिए आप दो दरवाजे तक आ चुके हैं, है नहीं? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा विषय चुना है, क्योंकि यह जो विषय है, मैं समझता हूं कि आज एग्रीकल्चर का कोई भी ग्रेजुएट बच्चा जो है बेरोज़गार नहीं है, सबको रोज़गार मिला है। तो कंप्यूटर में जाते हैं, कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, दूसरे उसमें जाते हैं, तो हो सकता है आपको रोज़गार के लिए फेस करना पड़े, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में आप आते हैं तो आपको रोज़गार की एकदम पूरी गारंटी है। तो अब मैं अपना प्रोडक्ट को एक एक करके बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले मैं एक, ये हर्बल गुलाल, ये हमने 5 साल पहले इसके प्रोडक्ट को हमने बनाना शुरू किया था, बिल्कुल एकदम छोटे स्केल पे हमने बनाना शुरू किया था। आज हमारे पास लगभग एक इंडस्ट्री की तरह ये बन गया है, और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में हम लोग फेमस हुए। इस एक बॉक्स में 5 कलर है हमारे, वो कलर भी हम अभी डेमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे। ये पूर्णतः प्राकृतिक रंगों से बना हुआ है। मार्केट में जो गुलाल मिलता है वो केमिकल युक्त होता है, रसायन युक्त होता है, जो हमारे स्किन को ख़राब करता है, हमारे आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे हेयर को ख़राब करता है, हमको जलन देता है, हमारे हमको अस्थमा देता है, या बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। हमारा जो ये गुलाल है, आप देख रहे हैं, इसमें हल्दी, चंदन, चुकंदर, कत्था, अरारोट, अपराजिता, सिंदूरी, मेहंदी, है नहीं, चंदन, ये सारी चीज़ों से बना हुआ है। ये एकदम केमिकल फ्री है, इको फ्रेंडली भी है और ह्यूमन फ्रेंडली है। इसको खोल करके थोड़ा सा दिखाएंगे, ठीक है? इसके बारे में जो क्वेरीज आएगा, क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आप पूछेंगे। क्वेश्चन लेके घर नहीं जाना, मैं पूरा आपको बताऊँगा। तो एक देखिए, एकदम सरप्राइजिंग लगेगा आपको कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। देख रहे हैं आपको कि मार्केट के किसी भी रंग से, ये हमारा कोई रंग कोई कमी नहीं है, 100% हर्बल है। आप खुशबू भी है इसको, पैकेट को जब खोलेंगे ना आपको खुशबू, इसलिए हमने इसमें चंदन ऐड किया है। चंदन की लकड़ी के जो पाउडर्स होते हैं वो उसमें वो रहता है। अब ये बनता कैसा है, आपने सुना होगा कत्था भी लकड़ी से निकाला जाता है। तो इसके दो प्रोसेस है, दो पार्ट है, रंग बनाने का प्रोसेस और उसके बाद जो गुलाल बनाने का प्रोसेस। हम सबसे पहले रंग बनाते, जैसे सिंदूर के दाने होते तो सिंदूर के दाने से रंग निकालना, कत्था की लकड़ी होती है उससे रंग निकालना, चुकंदर को काट करके आप जो है ग्राइंडर में आप पीस दीजिए तो उससे रंग निकालना, ये रंग निकालने का भाग है। मेहंदी की जो पत्तियां होती है उसको पीस दो तो मेहंदी अपने आप में रंग बन जाए, ये देखो रंग निकालने का भाग है। टेसू के जो फ्लावर्स होते हैं उसको हल्का गर्म पानी में गुनगुना करते हैं तो रात भर में वो रंग छोड़ देता है, ये रंग निकालने का पार्ट हुआ, ठीक है? दूसरा पार्ट होता है कि हम उससे अब गुलाल कैसे बनाते हैं। तो गुलाल बनाने के लिए, कोई चीज़ को करने के लिए मीडिया की ज़रूरत हो गई, रंग तो हो गया, अब एक पाउडर चाहिए आपको। तो पाउडर के लिए भी फिर भी हम जो ऑर्गेनिक चीज़ों में चले जाते हैं, जस्ट लाइक जो मैच का जो पाउडर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, उसी प्रकार से अरारोट का पाउडर आसानी से मिल जाता है, आलू का स्टार्च आसानी से मिल जाता है। तो ये हम मीडिया लेते हैं, अब ये मीडियों का संयोजन करके हम जो है हर्बल गुलाल को प्राप्त करते हैं। तो ये आपको एक बेसिक चीज़ मैंने बता दिया। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने होली के ठीक पहले एक नया लॉन्च किया है, ये कुछ अलग ही चीज़ है, गोमय हर्बल गुलाल। इस बार हमने नया प्रयोग किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक अभिनव कार्यक्रम चला रहे हैं, गौठानों का कार्यक्रम है ना, गोधन न्याय योजना, तो उसमें गाय को फोकस करके वो सारे एक्टिविटी कर रहे हैं। और गौठान जो गांव-गांव में बन रहा है, उस गौठान को वो मिनी इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में वो बदल रहे हैं, ताकि गाँव के बेरोजगार लड़कों को क्या मिले, रोज़गार मिल सके। बिल्कुल उसी थीम को पकड़ करके हमने बहुत सोचा और ऐन वक्त में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या चीज़, गोमय हर्बल गुलाल। ये हर्बल गुलाल के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, रंग को निकालने का एक भाग है, रंग तो हमने क्या कर लिया, निकाल लिया, लेकिन मीडिया के लिए हमने गोबर का प्रयोग किया। और गोबर को हमने एकदम जब ड्राई कर देते हैं, मुख्यमंत्री को हमने जब लॉन्च करने के लिए पहली बार दिया तो उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया, एमें कहीं गोबर के गंध तो नहीं है? तो हमने फट से बोला, नहीं नहीं, इसमें गोबर का गंध बिल्कुल नहीं है। तो जब किसी चीज़ को
बहुत ज़्यादा हम जो है ड्राई कर देते हैं तो वो जो है ऑलरेडी क्या हो जाता है, स्मेल लेस हो जाता है। तो हमने उसको स्मेल लेस कर दिया। इसमें स्मेल लेस करने के बाद हमने उसको पूरा जो है जो ग्राइंडर से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लिया है। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद उसमें गोबर में आपने देखा होगा कुछ रेसे रहते हैं, उसको बहुत ही महीन फिल्टर हमने कर लिया। महीन फिल्टर करने के बाद भी हमारा दिल नहीं भरा, उसको पूरा जो स्किन पाउडर जो होता है ना, स्किन पाउडर बहुत सिल्की होता है, तो उसको हमने बहुत सिल्की कंडीशन में ले आया। उसके बाद वो हमारे पास मीडिया तैयार हुआ। चूँकि वो गोबर का एक नेचर रहता है, थोड़ा सा उसमें पिलपिलापन रहता है, तो उसके लिए हमने उसको उसके सिल्कनेस को बनाने के लिए हमने अरारोट का पाउडर अभी जिक्र किया था, तो हमने 60% गोबर का पाउडर लिया और 40% उसमें हमने ये लिया और कलर को हमने उसमें मिला करके हमने गोमय हर्बल गुलाल जो है हमने बना लिया। जोरदार एक बार ताली बजाएंगे, है नहीं? ठीक है। तो ये टोटल वनस्पति का है, ये टोटल वनस्पति का है, इसमें गोबर नहीं है। हाँ दिखा रहे हैं। और ये वाला, ये टोटल गोबर और अरारोट का पाउडर है और कलर का मिक्स है। देखिए स्टार्टिंग में हमने दो ही कलर इसके निकाले हैं, ठीक है। तो इसको भी हम 5-10 जितना भी कलर देख लीजिए आप, जो है सेंटेड भी होगा वो, है नहीं? तो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे हमारे प्रशासनिक अधिकारी इसी हर्बल गुलाल से, आप फेसबुक में देख सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, है नहीं? तो कैसा लगा आपको, है ना? तो गोबर को, और आप लोग भी सभी आप लोग साइंटिस्ट हो, देखो हम लोग ही साइंटिस्ट हैं ऐसा नहीं है, हर वो व्यक्ति साइंटिस्ट है जो सोचता है, करेक्ट है ना? नहीं सोचता है तो हो सकता है कवि है, तो कवि भी तो सोचता है। तो साइंस क्या है, साइंस क्या है, ये प्रश्न को आप लोग घर में हमेशा सोचना कि साइंस क्या है, मन में सोच। हाँ साइंस क्या है, किसी चीज़ को जब करते हैं उसका इफेक्ट एक दिखता है तो हमको समझ जाना चाहिए, ये मेथड इज साइंस, ये साइंस को आपको एकदम समझना है। तो हम लगातार इनोवेशंस करते रहते हैं, हर बार नया प्रोडक्ट लाने का कोशिश करते रहते हैं। एक बार आप फिर से आपको यूनिक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, है नहीं? खर्च कितना है इसमें खर्च 112 रुपये का आता है, है नहीं? और हम 112 रुपये किलो में बनाते हैं और हम जो है अभी उसका 400 रुपये किलो में बेचते हैं। तो रेशियो देखिए कितना डिफरेंस है, मार्केटिंग का पार्ट, ट्रांसपोर्टिंग का पार्ट, है नहीं? तो उसमें बहुत सारा चीज़ लगता है, फिर भी हम समझते हैं कि मान लो जाए हमको ये 200 रुपये भी पड़ता है तो 200 रुपये का शुद्ध आमदनी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हर्बल गुलाल को थोड़ा सा हमने इसको ये वाला को थोड़ा सा हमने ज़्यादा कास्टली इसको रखा है, नया इंट्रोड्यूस किया, तो ठीक है। इसके बाद बोर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, नहीं, नहीं। इसके बाद देखिए ये यूनिक प्रोडक्ट है, है नहीं? गुड़ मार्केट में हम जानते हैं, लेकिन ये पाम जागरी है, सामान्य गुड़ नहीं है। क्या है ये? पाम जागरी मतलब छींद के रस से बना हुआ गुड़ है। आप ये कवर्धा क्षेत्र, बिलासपुर क्षेत्र ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे गन्ने के फार्मर है, शुगर का मिल भी कवर्धा में ही है ना? उसका नाम बता पाएंगे क्या क्या है? कवर्धा से नहीं हूँ लेकिन पता है, भोर रामदेव शक्कर कारखाना है नहीं? तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो नहीं पूछता, है नहीं? ठीक है। तो वहाँ पे गन्ने से जो है किसान को खेत में आप जो शक्कर गुड़ बनाते हुए आपने देखा होगा, तो उसी प्रक्रिया से छींद का जो पेड़ होता है वो जो है रस देता है, बारहमासी रस देता है, है नहीं? तो उसको थोड़ा सा ऊपर में कट करके उसमें मटका बांध देते हैं और वहाँ पे वो मटका बांध देते हैं तो उसमें वो रात भर में जो है पूरा क्या हो जाता है, एक मटका इकट्ठा हो जाता है। आपने एक पिक्चर देखा होगा, सौदागर पिक्चर देखा होगा, किसी ने देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन रहता है, है नहीं? और एक कलाकार रहती है, वो देखे हैं क्या कोई? सर इसका प्रोसेस थोड़ा बता रहे हैं ना, प्रोसेस बता रहा है। तो उसमें छींद का रस निकाल निकाल के गुड़ बनाते हैं, उसमें ताड़ अलग होता है, ये छींद अलग होता है, ठीक है? छींद ही होता है, ठीक है। तो उसको रस को निकालते हैं, रस को भट्टी में जो है हम गर्म करते हैं, मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं, और मिट्टी के बर्तन में गर्म करने के बाद जो है फिर उसको हम जो है उसी प्रकार के एक पॉट में जो है मिट्टी से लगा हुआ पॉट में हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं हम तो गुड़ का जो है ढेली हमको प्राप्त हो जाता है, ये ढेली है। अब उस गुड़ में और इस गुड़ में अंतर क्या है? ये गुड़ बहुत महंगा गुड़ है, वो गुड़ सस्ता है। ये इसलिए महंगा है क्योंकि ये तो यूनिक है, हर जगह तो गन्ने नहीं है, हर जगह तो छींद का पेड़ नहीं है। गन्ना एक बार हर जगह हो सकता है लेकिन छींद का पेड़ नहीं होगा। छींद का पेड़ जो है यूनिक बायोडाइवर्सिटी में ही होता है, ठीक है। जब ये यूनिक बायोडाइवर्सिटी में होता है इसका मतलब हर जगह नहीं मिलेगा, इसलिए तो महंगा होगा। दूसरी बात, इसमें ये एंटी डायबिटिक भी है, ठीक है। इसकी जो गुड़ का में जो जो आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली महिला और बच्चों के बारे में जब बात करते हैं तो एक उसमें एनीमिया की बात आती है, कुपोषण की बात आती है। अब लड़के लोग ये मत खुश होना कि हमारे में एनीमिया और कुपोषण नहीं होता करके, एनीमिया होता है तो सबको होता है। तो
उसको फुलफिल करने में ये हमारा जो जागरी है ये जो है वो ज़्यादा जो है वो कारगर होगा। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आएंगे तो हम उनको भेंट करेंगे, इसके लिए रिजर्व करके टीम ने आइडेंटिफाई करके गया हुआ है। तो ये हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखिए तिखूर आप लोग जानते हैं क्या? तिखूर का दिखाइए पैकेट। ये देखिए न्यूट्री तिखूर है, न्यूट्री तिखूर। आप लोग प्रोडक्ट बनाना सीख के जाना यहाँ पे, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप क्वेश्चन बाद में कर लेना। प्रोडक्ट बनाना सीख के जाना है। ये तो मतलब नई बात हो गई ना, प्रोडक्ट बनाना मैं सीख के जाऊँगा। हर कोई प्रोडक्ट बना सकता है, कि वो डॉक्टर नारायण साहू दंतेवाड़ा वाला ही जो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है। हमारे इतने सारे प्रोडक्ट है, हम लोग खोल भी नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हर चीज़ में एक नयापन है। आप लोग प्रोडक्ट बना, तिखूर हमने लिया, देखिए ये तिखूर का पाउडर है। ये राइजोम को कश करके हम लोग निकालते हैं, अदरक को राइजोम है, उसी प्रकार से तिखूर का भी राइजोम होता है, उसको क्रश करते हैं, क्रश करके उसे पानी भर देते हैं, पानी भर देते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल ऊपर आ जाता है, उसको गिरा देते हैं, दो तीन बार पानी को गिरा देते हैं, तो उसका स्टार्च जो है मटके में नीचे बैठ जाता है। जब वो नीचे में बैठ जाता है तो उसको हम जो क्या करते हैं, कपड़े में जो है उसको जो है बिछा देते हैं और वो सूख जाता है। सूख करके इस प्रकार से क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, वही क्रिस्टल फॉर्म में जो आता है वो तिखूर कहलाता है। इसका जो उपयोग है, जिस प्रकार से आप जो है सिंघाड़ा के पाउडर का उपयोग करते हैं, सेम उसी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे जलेबी बना सकते हैं, आप इसे खोआ बना सकते हैं, आप इसे बर्फी बना सकते हैं, बतासा बना सकते हैं, ऑल टाइप आप स्वीट्स जो है आप इसे जो है मेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अब उसको उसी का हमने एक बायो प्रोडक्ट निकाल दिया, तिखूर लिया थोड़ा सा, मिल्क मैट लिया थोड़ा सा, मिल्क पाउडर थोड़ा सा लिया है नहीं थोड़ा सा हमने फिर खोपरा लिया, ठीक है, और वो सब को मिला करके हमने उसको नाम को थोड़ा सा वैल्यू एडेड कर दिया, न्यूट्री तिखूर मिक्स। ठीक है, तो उसी तिखूर से हमने फिर न्यूट्री तिखूर मिक्स हमने निकाल दिया, तो ये प्रोडक्ट बनाना सीख गए। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल से बताऊंगा मैं आपको, है नहीं? ये देखिए मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा में पांच प्रकार के चीज़ों का हमने एक खास रेशियो में हमने मिला दिया। ठीक है, इसमें आप क्या है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूँ है, ठीक है, मूँग है, उड़द है, सबको एक खास रेशियो में वो जो है 5% के आसपास के रेशियो में रहता है वो जो है नहीं, तो उसमें मिला दिया। और बेसिक प्रोडक्ट हमने क्या डाल दिया, गेहूं डाल दिया, तो वो क्या बन गया, मल्टीग्रेन आटा। आटा का कीमत क्या है, 30 रुपया किलो। मल्टीग्रेन आटा का भाव जरा देखिए, यहाँ पे पढ़िए, 130 रुपया किलो बन गया, थोड़ा सा जादू में, और एक प्रोडक्ट मार्केट में नया आ गया। तो ये प्रोडक्ट बनाना आपने सीख लिया ना, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। इसी प्रकार से देखिए, इसको देखिए, रागी माल्ट। ये रागी माल्ट में ये क्या है बताइए जरा सर, मूंग है ना, और क्या है, रागी है, और क्या है, चना है। ये तीनों के अंकुरित कर दिए, तीनों को अंकुरित करते हैं। इसमें रागी को 70% और बाकी को 30-30%, तो कितना हो गया, 30-30 कितना, 15-15% कितना हो गया, 30%, 30 और 70 कितना हो गया, 100%। अब उसको अंकुरित करके हम जो है भिगा देते हैं रात भर में, एक दिन के बाद में अंकुरण आता है, अंकुरण करने के बाद उसको सुखा देते हैं, सुखा देने के बाद ग्राइंड कर देते हैं, रोस्ट करते हैं, रोस्ट करने के बाद ग्राइंड कर देते हैं, और पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो एक नया प्रोडक्ट निकल गया, नाम क्या हुआ, रागी माल्ट। ये भी कुपोषण दूर करने में बहुत सहायक है। ठीक है, एक मिनट और बताऊँगा इसके बारे में। ये जो रागी जो माल्ट है, इसको आप चाय पीते हो घर में ना, चाय पत्ती का बिदा कर दीजिए, है ना, आप गर्म पानी लाइए, इसमें एक चम्मच इसको निकालिए, डालिए और चाय पीजिए। दादी नानी सभी एज के लोगों के लिए ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही न्यूट्रिटिव है। ठीक है, इस साल को भारत सरकार ने अभी नए बजट में क्या वर्ष घोषित किया है बताओ, एक एग्रीकल्चर का सब विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है, कौन सा वर्ष घोषित किया है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया, कदान्न वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, आपके प्रश्न उसमें आ सकते हैं आपके कंपटीशन में, कदान्न वर्ष में जो मोटे अनाज के उत्पादन का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये मोटे अनाज में आता है, इसी को फ्यूचर का जो है क्रॉप कहा जाता है, फ्यूचर क्रॉप क्या, पानी जब कम हो जाएगा तो कौन सा फसल लेंगे, लोगों के पास अनाज कम होगा तो कौन सा फसल लेंगे, लोग कुपोषण से ग्रसित होंगे तो कौन सा फसल लेंगे, मोटे अनाज जो कम पानी लेता है और कम दिनों में पक जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से शॉर्ट में बताऊंगा, देखिए अमचूर है, अमचूर को हमने केवल पाउडर फॉर्म में बना दिया,
इसी प्रकार से देखिए ये मोरिंगा का पाउडर है। अब बिल्कुल कुछ नहीं, प्रोडक्ट बनाना मैं सिखा रहा हूँ ना आपको। मुनगा के पत्तियों को सनलाइट में उसको हल्का पानी में गुनगुना करके धो दीजिए, सोलर लाइट में। हाँ, उस पत्तियों को घर में जो आपकी पत्तियाँ हैं सोलर लाइट में आप सुखा दीजिए, ड्राई होने के बाद ग्राइंडर से पाउडर बना दीजिए। पाउडर बन गया, रेडी है, रोज खाइए। ठीक है, कोई भी सब्जी बनाते हैं ना उसमें थोड़ा सा इसको डाल दीजिए। ठीक है, इसको न्यूट्रिशनल जो है डायनामाइट कहा जाता है। मोरिंगा को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशनल डायनामाइट। आप जरा सोचिए कि डायनामाइट का पावर क्या होगा। चलिए फटाफट है, नहीं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। हाँ बस बस बस, ये देखिए ये वाइल्ड हनी है। ये वाइल्ड हनी एक क्रॉप का हनी होता है और एक जो है वाइल्ड हनी होता है। ये वाइल्ड हनी है, माड़ क्षेत्र का है, अबुझमाड़ क्षेत्र से हमने कलेक्शन किया है। ये हमने बनाया नहीं है, इसका जो प्रोसेस ये है कि हमने इसको क्या किया, वैल्यू एडिंग हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हैं। ये धूप को भी देख लीजिए, ठीक है, ये भी नेचुरल है, एकदम 100% पेड़ से बना हुआ है, हमने इसका वैल्यू एडिशन किया है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जी जी सर, थैंक यू, बोलो सर को। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य, प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस, PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था, स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य, प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था, 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियां, साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर, बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।